सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र के कृषि कानून का विरोध किया और कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है और इसे किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि देश के अन्नदाताओं की सारी मांगे मानी जाएं। पिछले 50 दिनों से इस ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान बैठा है। किसान आंदोलन में अब तक 60 किसानों की जान गई है। यह किसान आंदोलन ऐतिहासिक, यदि केंद्र सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो मजबूरन आम आदमी पार्टी जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कर रहे हैं हम समझ नहीं जा रहे कि जब जय जवान जय किसान का कौन सा नारा है। बिल्कुल ऐसे ही नारा दिया गया है क्योंकि उनको बिल्कुल कोई भी प्राथमिकता नहीं मिल रही है। और आप सब जानते हैं कि इस आंदोलन से 40 जवान किसान जो हमारे भाई हैं शहीद हो चुके हैं। उनके परिवार के लिए सम्मान के लिए हम लोग सब यहाँ 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान करना चाह रहे हैं और उनके जो शहीद हुए हैं हमारे उनको शहीद के रूप में हम सम्मान देना चाह रहे हैं। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में आकर के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें किसान कानून को वापस लेने की बात कही गई है। ज्ञापन रिसीव कर लिया गया है और शब्दशः प्रशासन को भेज दिया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।